है गाइस, कैसे हो? सारे मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, एडेट जो कि आपकी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें आपके डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, पशुपालन डिप्लोमा और फिशरिंग डिप्लोमा आपका इसमें शामिल है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस को लेकर। और जैसा कि आपको पता है, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाली है और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस, 14 तारीख यानी आज से स्टार्ट आपके होने वाले हैं। तो सिलेबस हम देखेंगे, सिलेबस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट 2022 का। तो सीधे हम समय गंवाते न हुए सीधे सिलेबस की ओर बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री। तो जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री में गई तो आपका रहेगा परमाणु संरचना, जिसमें नाभिक का आकार और बोहर का परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्या, अपभव का सिद्धांत, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्रिप्टॉन तक रहेगा, और द्वि ब्रॉग्ली समीकरण और ऑर्बिटल के आकार। इसके बाद रासायनिक बंधन की बात करें तो इलेक्ट्रोवेट, सहसंयोज्य और समवर्ती बॉन्ड, और इसके बाद संकरण जिसमें sp शामिल है, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड और अणुओं के आकार, और जिसमें हम जो VSPR थ्योरी हम देखेंगे, और बंधन ध्रुवता, इसके बाद अनुनाद के तत्व जिसमें VBT और MOT सिद्धांत भी हम हमारे सिलेबस में रहेगा। इसके बाद विलयन में देखेंगे हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, विलयन के प्रकार, कोलिगेटिव गुणों का राउल्ट का नियम और गैस का आदर्श विलयन और असामान्य आणविक तौल। और ठोस अवस्था की हम बात करें तो कैसे क्रिस्टल जालक की हम बात करेंगे, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, और जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हैं उसको हम बात करेंगे, और आयनिक त्रिज्या और जो आपके दोष इसमें इफेक्ट रहते हैं, बिंदु दोष और ठोस के गुण। आगे बात करें कि परमाणु रसायन विज्ञान में हम बात करें तो रेडियोधर्मी विकिरण, जो अर्धायुकाल, रेडियोधर्मी क्षय और समूह में नाभिक की विस्थापन संरचना, गुण, परमाणु प्रतिक्रिया, विखंडन श्रृंखला, कृत्रिम रूपांतरण, समस्थानिक, संभारिक और उनके उपयोग, और कार्बन डेटिंग अभिक्रिया। रासायनिक संतुलन की हम बात करें तो रासायनिक संतुलन या तो इसमें जो रहेगा सामूहिक क्रिया का नियमन, जिसमें केपी और केसी को हमें नियमित करना है, और जो लेचेटियर का सिद्धांत है और उसके अनुप्रयोग को लेकर के। विलयन का आयनिक संतुलन में हम देखेंगे घुलनशीलता, उत्पाद, आयन प्रभाव, एसिड के सिद्धांत और लवण के आधार पर हाइड्रोलिसिस और पीएच और बफर विलयन। आगे बात करें कि थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक आपके में रहने वाला है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हेस का नियम, प्रतिक्रिया की गर्मी और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, और एक और है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और रासायनिक संतुलन ऊर्जा के रूप में मुक्त ऊर्जा। रासायनिक गति की अभिक्रिया की दर, दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर, स्थिति, दर अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया के क्रम, पहले क्रम की दर, निरंतर अभिव्यक्ति और विशेषताएं और अहरणीय समीकरण। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या और आयन, इलेक्ट्रॉन विधियां और इलेक्ट्रोलाइटिक चालन, फेराडे के नियम और वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोड विभव। इसके अलावा जो है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल, गिब्ज की ऊर्जा, सेल की क्षमता, नर्नस्ट समीकरण, वाणिज्य सेल, ईंधन सेल और जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। सरफेस केमिस्ट्री में हम बात करें कोलाइड और कैटलिस्ट, सोखना, जो एब्जॉर्प्शन, कोलाइड के प्रकार और गुण, इमल्शन, मिसेल्स, कैटलिस्ट और उसकी प्रकार और विशेषता। तो गाइस, ये थी हमारी जो जनरल केमिस्ट्री है वो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें रहेगा धातु क्रम संचालन की विधियाँ, भट्टिया, अयस्क सांद्रण और निष्कर्षण, जिसमें सोडियम, एल्यूमिनियम, फेरस और जो कॉपर, सिल्वर, जो जिंक और पीबी, ये इनकी शुद्धि और धातु क्रम और उनके गुण को हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक अधिवक्ता, जिसमें SPDA, जो रासायनिक पीरियोडिसिटी जो है उसमें हम SPDA ब्लॉक, इसमें की आवर्त सारणी और पेरियोडिक टेबल में परमाणु रासायनिक त्रिज्या और आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और उनकी विशेषताएं। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम निम्नलिखित परिवारों का अध्ययन, तो इसमें क्षार धातु, क्षारीय
पृथ्वी क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन और नोबेल गैस इसमें शामिल हैं। संक्रमण धातु में जो 3D धातु हैं उनको हम बात करेंगे, तो D3 ग्रुप जो है उसकी धातु, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, अन्य सामान्य विशेषताएं, गुण, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट भी इसमें रहने वाला है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें उनका नामकरण रहेगा, उनकी बाइंडिंग और स्थिरता, ऑर्गेनोमेटल्स और उनका वर्गीकरण और उनके बंधन। रासायनिक विश्लेषण में शामिल हैं, रसायन विज्ञान एक सरल अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण है जिसमें अम्ल क्षार अनुमापनी पर आधारित गणना। ये तो हुई गई हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है कार्बनिक यौगिक की जो आणविक सूत्र की गणना, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, सामान्य कार्यात्मक समूह, आइसोमेरिज्म संरचना और एल्केन और बेंजीन का आकार। एल्काइंस आगे हैं, एल्काइंस, एल्काइल, बेंजीन, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन, एडिव्स की तैयारी के गुण और उनके उपयोग। आगे हैं उनके नामकरण, भौतिक रासायनिक गुण, संरचना गुणों के साथ भौतिक गुणों का सहसंबंध, जिसमें शामिल है एल्कोहल के हेलो एल्केन, हेलोबेंजीन, एल्कोहल और फिनोल के उपयोग, और कुछ पॉलीहेलोजन यौगिक के सामान्य विचार जैसे डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोइथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, DTT, बेंजीन और हेक्सा क्लोराइड। नामकरण और इसके तैयार कराने की विधि, रासायनिक गुणधर्म को ये डिस्कस करना है, इथर, एल्डिहाइड, कीथोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव की संरचना, और साथ ही में उनके उपयोग के साथ भौतिक और रासायनिक गुणों को भी हमें सिलेबस में देखना है। आगे हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइन और नाइट्रोजन यौगिक के रसायन विज्ञान का संक्षिप्त विवरण, पॉलीमर वर्गीकरण, सामान्य प्राकृतिक सिंथेटिक पॉलीमर की उपयोग की तैयारी और उपयोग। इसके बाद बायोमोलिकुलर में जो रहेगा वर्गीकरण, उनकी संरचना, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड का जैविक महत्व। तो गाइस ये हमारा केमिस्ट्री का हुआ। अब हम फिजिक्स के सिलेबस देखेंगे। फिजिक्स के सिलेबस की हम बात करें गाइस, तो इसमें आपका रहेगा इकाई आयाम, आयामी विश्लेषण, उसकी SI इकाई और जो द्विविमीय गति रहेगी, एक समान संवेग, एक समान त्वरण के मामले और उनके बीच संबंध की स्थितियाँ, और वेग एक समान वृत्तीय गति, बल, जड़त्व और न्यूटन के गति के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और घर्षण में स्थैतिक और गतिज घर्षण रहने वाला है। इसके बाद कार्य ऊर्जा और शक्ति और संघट्य का सिद्धांत और संभावित ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, संभावित ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा और का कोणीय रूपांतरण। आगे है कि जो संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व क्षण और समांतर प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय, जिसमें सिलेंडर की जड़ता का क्षण पढ़ना है और केवल वर्दी के छल्ले या डिस्क या हिनरॉड। आगे बात करें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और इसकी भिन्नता, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक नियम भी पढ़ना है। आगे हुक का नियम, यंग का मॉड्यूलर अपकरण या थोक मापांक, सतह ऊर्जा, सतह तनाव जो पृष्ठ तनाव या सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस फ्लो, काइनेटिक एनर्जी और एंड टेम्परेचर, या जो पृष्ठ तनाव और गैस के नियम, ये सभी इसमें शामिल रहने वाले हैं। इसके बाद स्थिर आयतन और स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा के यांत्रिक समतुल्य, समतापीय और रुद्रोष्म प्रकार, चालक संवहन विकिरण के साथ स्टीफन के नियम और न्यूटन का शीतलन नियम, आवर्त गति, सरल आवर्त गति, दोलन देश, सुपरजोनिक का सिद्धांत, प्रगतिशील और स्थिर तरंगे, बीट और डॉपलर प्रभाव, प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण, यंग का दोहरा नियम, प्रकाश का वेग, प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और जो कर्व्ड मिरर हैं वो हम देखेंगे। आगे बात करें लेंस, दर्पण और प्रिज्म, अवशोषण, उत्सर्जन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और इसके अलावा मानव नेत्र, दूरदर्शी दोष और दूरदर्शी की आवर्ध और इसकी क्षमता, जो रिजोल्विंग पावर है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी इसमें शामिल हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। परमाणु का भोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना, परमाणु द्रव्यमान और आइसोट्रोप, रेडियोधर्मिता, रेडियो क्षय के नियम और क्षय स्थिरांक।
इसके साथ ही द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, विखंडन, एक्सरे के गुण और उसके उपयोग, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, आंतरिक और बाहरी के प्राप्त जो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इसमें शामिल हैं, दृष्टकारी भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद बल की चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक पटो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और गैल्वेनोमीटर और मैग्नेटोमीटर इसमें शामिल हैं। एक बिंदु के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धाकत्व स्थिरांक, विद्युत क्षेत्र और कुलाम का नियम, सरल ज्योतिक में आवेश, द्विध्रुव, द्विध्रुव क्षेत्र और गॉस का नियम, संधारित्र की ऊर्जा और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता, समांतर प्लेट का सिद्धांत जो रहेगा आपका 12th की फिजिक्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे गाइस, विद्युत प्रवाह, ओम का नियम, किरचाप का नियम, श्रृंखला में प्रतिरोध और समांतर ताप प्रतिरोध की निर्भरता, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज का मापन और धाराएं। इसके आगे जो है कि विद्युत शक्ति, धाराओं पर ताप का प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, बायो सावर्ट का नियम, एक सीधे तार में वृत्ताकार लूप और परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल जो लोरेंज बल जिसे कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, एक करंट लूप और चुंबकीय क्षेत्र का एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, दो के बीच बल धाराएं और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ईएमएफ, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, सौ और पारिस्थितिक प्रतिवर्ती धारा, एल और आर परस जो प्रत्यावर्ती धारा हैं वो भी इसमें शामिल है। एलआर सर्किट में डायनेमो ट्रांसमीटर पर प्राथमिक विचार। तो ये गाइस था आपका फिजिक्स का सिलेबस। इसके बाद जनरल स्टडीज़ की हम बात करें तो इसमें आपका रहेगा जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट और सेकंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेली टेक्नोलॉजी, जो नोट यहाँ पर दिया है कि अप टू लेवल ऑफ 11 टू 12th आपका जो सिलेबस जो रहेगा गाइज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका सिलेबस 11वीं और 12वीं के स्तर तक का रहेगा। अगर गाइज आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सिलेबस की PDF भी आसानी से मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ।